चिंदौरी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को पद से हटाने के बाद जमकर राजनीति चल रही है। कांग्रेस शुक्ला को फंसाना चाहती है, ऐसे में शुक्ला परिवार ने गृह मंत्री से बचाव की गुहार लगाई है। डिंडोरी में कांग्रेस के घर की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। मामला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंच गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने गृह मंत्री को फोन कर कांग्रेसियों पर फंसाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में मदद मांगी है। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के समर्थन में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू व्यवहार, नगर परिषद डिंडोरी अध्यक्ष सुनीता सारस, जिला पंचायत सदस्य हीरा परस्ते, एनओसीआई जिला अध्यक्ष वैभव परस्ते, नगर परिषद डिंडोरी के वरिष्ठ पार्षद रजनीश राय और राजेश पाराशर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अभी अन्य कई कांग्रेस पदाधिकारी इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के चरित्र पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे शुक्ला डरे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे न केवल अध्यक्ष पद से हटाया, जो कि असंवैधानिक तरीका था, और उसके बाद मैंने जब न्याय की बात आप लोगों के माध्यम से की, क्योंकि कमलनाथ जी तो मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उनसे मिलने के लिए, तो सोचा था कि आप लोगों के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंच जाएगी तो मुझे कुछ न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और उसके बाद प्रदेश के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने के इल्जाम पर मुझे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दरवाजा खटखटाया। माननीय केसी वेणुगोपाल जी, माननीय जीपी अग्रवाल जी को मैंने मेल किया, उनको मैंने अवगत कराया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुझे बिना कारण से पद से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को मुझे पद से हटाने का अधिकार नहीं है। मैंने यदि इस्तीफा दिया होता तो निश्चित नई नियुक्ति कर सकते थे। और जब मैंने इस जांच की मांग की तो आनन फानन में मध्य प्रदेष कांग्रेस कमेटी के द्वारा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचवाया गया और आईटी सेल के माध्यम से एक झूठी खबर ग्रुपों में डलवाई गई, और उसमें यह कहा गया कि वीरेंद्र शुक्ला जो था वो चरित्रहीन था, इसके लिए इसके कारण उसके खिलाफ अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। मेरे ऊपर आरोप लगाया कि भोपाल के किसी एक होटल में मैं एक लड़की के साथ पकड़ा गया, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने कहा ये मेरी बहन, मेरे ये नज़दीकी रिश्तेदार है। उसके बाद मई में फिर मैं एक होटल में पकड़ा गया, मुझे फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। मेरी चारित्रिक मामले की शिकायत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास पहुंची और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे खिलाफ अनुशासन समिति बनाई। अनुशासन समिति जो है उसने मेरे को पार्टी की 6 साल की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यदि मेरे को किसी पुलिस ने पकड़ा है तो कहीं FIR होना चाहिए। वो कौन सी होटल थी जहां पर मुझे पुलिस ने पकड़ा है, वह दिनों क्या था, दिनांक क्या था, जगह क्या थी, ये वहां उस पूरे समाचारों में कहीं पे नहीं है। आईटी के जो इनके लोकसभा के अध्यक्ष हैं हमारे मंडला जिले के, उन्होंने फेसबुक में डाला हुआ है कि वीरेंद्र शुक्ला को पार्टी ने गंभीर आरोपों के चलते, चरित्रहीनता के चलते एक समाचार कटिंग डाली हुई है कि इनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, जो जिस ग्रुप में इनको जोड़ा हुआ है उन्हें उस ग्रुप से अलग कर दें। ये पूरी तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर मेरे चरित्र को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया है। मेरा राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन चरित्र मेरा जो समाप्त हुआ है, मेरे परिवार का जो चरित्र जो है समाप्त हुआ है, मैं उसके न्याय की मांग को लेकर आज सुबह माननीय गृह मंत्री जी को मैंने बात किया कि मैंने कहा माननीय गृह मंत्री जी मेरे ऊपर एक संगीन आरोप आया हुआ है और यह आरोप कभी भी किसी पर भी लग सकता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।